हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। से यहाँ पे मैं जो है वो कर रही थी, पूजा कर रही थी। संडे वाला दिन है मॉर्निंग में, इसके पहले मैंने ब्लॉग को एंड किया, एंड इसके बाद फिर मैं जो है पूजा करने लग गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। महादेव को स्नान कराया, जो कि मेरे जो है नर्मदेश्वर महादेव हैं उनको स्नान कराया। गणेश जी भी नर्मदा वहाँ से जबलपुर से मम्मी जी लेके आई थी, तो उनको भी स्नान कराया। और जो इनकी जराऊ है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ किया। एंड इसके बाद फिर इनको जो है चंदन चावल जो भी मैं लगाती हूँ वो लगाया। मीन्स अभी फ़िलहाल में बेलपत्ती का पेड़ मैंने लगाया था, तो उसको भी गाय खा गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। और जो शमी अभी मिल जाती है तो उसको मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी शमी का पेड़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सो जैसे हाँ बिल्कुल छोटू सा, जैसे ही वो बड़ा हो, हाँ जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो उसके फिर समय की पेड़ अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और भैया आ गया था साथ में, तो कह रहा था कि बिल्कुल छोटू सा है। सो यहाँ पे बस मैं भगवान जी को अपना वही कर रही थी, चावल वगैरह लगा रही थी। इतने छोटू से भगवान जी हैं मेरे कि त्रिपुंड उनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं लगा देती हूँ। और ये वाला स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसके बाद मैं गणेश जी को नहला दूँगी, जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और राधा कृष्ण, तो सभी की जो है पूजा वगैरह करूँगी। इसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी प्रसाद के लिए और खाने के लिए भी। तो जो भी बनाती हूँ प्रसाद में ज़रूर से लगाती हूँ। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि नहीं लगा पाती हूँ। इसके बाद फिर मेरी जो है सब्जी बन गई थी, जो कि मैं उसकी चने की भाजी बनाई हुई थी सूखी, तो बस उसको मैं निकाल ले रही हूँ। एंड इसके बाद आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी, तो वो एक साइड चढ़ी हुई है। एंड इसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी शूट नहीं किया, तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्यों शूट नहीं किया मैंने। अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट नहीं उसी दिन का है ये ब्लॉग। मैं जो है वो कर रही थी, यहाँ पे धनिया पत्ती और थोड़ा सा हरी मिर्ची पीस करके सब्ज़ी में डालने वाली थी, क्योंकि मैंने बहुत ही सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। बस मैंने हो रहा था कि सादा सिंपल सी सब्ज़ी बना लें, क्योंकि कई बार होता है ना कि फिर लगता है कुछ बहुत ही सिंपल सा खा लें, कुछ वैसे ना खाएं। एंड इसके बाद फिर कलश यात्रा निकली थी, तो बस उसकी छोटी सी वीडियो मुझे मिली हुई थी, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है मैंने। और अभी जो है रियल वॉइस भी शेयर करूँगी, तो देख लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ की कलश यात्रा, तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो कि हमारी रामराजा सरकार की स्थापना होने वाली है मंदिर में अयोध्या में, तो वहीं पे कलश जाएगा। सो गांव गांव जो है इस तरीके से कलश यात्रा हो रही है। इसके बाद फिर एक कलश जो है वहां जाएगा, अयोध्या जाएगा। सो उसी की जो है यात्रा हो रही थी, सभी ने थोड़ा थोड़ा अपने सर पर रखा, तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ मैं थोड़ा सा। राम जी मंदिर संदेश है, भगवान जी आज आपका छोटे थे आप भगवान के प्रेम में कैसा हरि का अभी हम रखो आ जा रहे आए अकेले रहे फेंक दो ना पंचया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सिया हरे राम चंद्र की जय। गणपति महाराज की जय।
महादेव की जय, बजरंगबली की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुबह का 7:30 बजे है और मैं आज का वेदर दिखाऊंगा लोगों को कैसा हो रखा है। और यहाँ पे आप कोहरा देख सकते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो शेयर की है मैंने वीडियो, रामराज का युग आ गया है, इसलिए जो है राम जी की स्थापना होने वाली है, तो उसी की मैंने वीडियो शेयर की है। हमारे गांव में आई हुई थी, इसके बाद में यहाँ पे आज है मेरा फास्ट, तो पूर्णिमा था तो पूर्णिमा का मैं फास्ट रखती हूँ। यहाँ पर मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी थी, एक साइड में जो है आलू चढ़ा दिए थे, क्योंकि पूरी सब्जी बना दूंगी बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो पूरी बना देती हूँ। और यहाँ पे बस मैं ऑयल निकाल रही थी, सरसों का ख़त्म हो गया था डिब्बे में, तो मैंने कहा चलो इसमें निकाल देती हूँ। और जो है बहुत ही खुशी की बात है कि जो है राम जी का मंदिर बन गया है और उनकी स्थापना होने वाली है, तो हम भी अयोध्या चलेंगे, चलते हैं 22 तारीख को अयोध्या। सो खैर ऐसे तो नहीं जा पाएंगे, जब उनका बुलावा आएगा तभी जाएंगे, क्योंकि उस दिन तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन जो लोग जाएंगे उनका सौभाग्य होगा वहाँ पे जाने का, है ना। तो मैं भी जाऊँगी, खैर अभी 22 को नहीं जाऊँगी, पर हाँ बाद में जाऊँगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया है और सब्ज़ी वगैरह बना ली है, बना ली नहीं है तब ऑयल वगैरह निकाल लिया है। तो यहाँ पर एक साइड में मसाला कर लूँगी, जब तक मेरे आलू की सीटी हो जाएगी तो आलू डाल दूँगी। बस बेटी और मैं जो है हंस रहे थे, किसी बात पर बातें कर रहे थे और हंसते जा रहे थे। सो और ना घर बनवाते टाइम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने नहीं की पतिदेव ने कर दी। यहाँ पे इतनी बड़ी खिड़की नहीं होनी चाहिए थी, छोटी खिड़की होनी चाहिए थी किचन में, तो बट कोई बात नहीं, करवा दी है तो अब क्या करें, हवा बहुत ज़्यादा आती है अंदर अंदर। एवरीवन जो कैसे हैं आप सब, आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। और आज जो है मैं 2-3 दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, संडे वाले दिन जो है मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया, पहले वाला एंड किया, इसके बाद जो है मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक है, पूरा हो जाता है, फिर नहीं तो नहीं होता, हो पाता है। कई बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, बट क्या हुआ ना कि जैसे ही मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया, इसके बाद फिर मम्मी का कॉल आया, उनसे बात की, तो जो वो मेरी मामी है, मीन्स मेरी कॉलोनी में मेरी मामी रहती हैं, जहाँ पर मम्मी का घर वहीं पर पास में, तो मम्मी का कॉल आया तो बोलती हैं कि उनका बेटा है, मीन्स मेरा भाई हुआ, तो वो जो है शुक्रवार से लापता था, और संडे में मम्मी ने मॉर्निंग में मुझे बताया कि वो जो है पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। और अभी जो है आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है, अभी तक कुछ पता नहीं है उसका, प्लेस ढूंढ रही है, सब कुछ है बट नहीं मिल रही है। मामा जी लोग भी ढूँढ रहे हैं, जो मतलब मेरी बहन के हस्बैंड हैं दोनों, वो भी ढूंढ रहे हैं, दोनों बहनों के, जिसकी आई पिछले साल ही शादी हुई थी, सर्दियों के उसमें, मीन्स सर्दियों में हुई थी आई थी, सो वो भी ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रहा है, वो कहीं पे नहीं मिल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, फ़ोन उसका नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, पुलिस ढूंढ रही है बट नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, फिर मैं जो है मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया, जैसे होता है कोई अपना होता है तो थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, फिर मेरा मन ही नहीं बिल्कुल लग रहा था शाम में। फिर मैं कहीं वहाँ पे मामी के घर थोड़ी देर बैठ के आई, और मामी का रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। वो खरगापुर में जॉब करता था, रिकवरी ऑफिसर था, तो वहीं से शुक्रवार के दोपहर में से 1:30 बजे के आसपास से वो गायब है, नहीं मिल रहा है, कहाँ गया है। वो खाना खाने के लिए गया था उस दिन, वो जॉब पर भी नहीं गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो सो इतनी बुरी खबर सुन के मेरा बिल्कुल जो है दिमाग ठीक नहीं था। तो मैंने कहा चलो मुझे फिर कुछ भी शूट नहीं करना, थोड़ा बहुत जो था शूट किया, इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उस दिन, और सोमवार को तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, आज ही सुबह जितना किया है तो किया, सोमवार को इनफैक्ट थोड़ा बहुत कुछ किया हो तो याद भी नहीं मुझे, तो अभी थोड़ा सा मैंने शूट किया। मैंने कहा चलो इस ब्लॉग को तो कंप्लीट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँ, प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से मिल जाए और कोई खुश खबर मिल जाए उसकी, घर आ जाए वापस अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर, इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय।